BYD Auto 3 ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसके अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं। तो आज हमारे साथ है ये BYD Auto 3 ग्रे कलर में। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी का कंप्लीट एक वॉक अराउंड रिव्यू लेने वाले हैं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ चीज़ें मिलती है। इसको एक बार हम चला के भी देखेंगे कि इसके अंदर के मतलब एडास वगैरह के भी इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, तो वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं, आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स मिलती है। सामने के साइड में अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो आपको जो ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है सामने। उसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा यहाँ पे जो बंद आपको जो पैनल मिलता है, बिकॉज इस गाड़ी को जो ये रेडिएटर्स की जो है कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इंजन जो हम ठंडा करने के लिए रहते हैं, वैसे आपको यहाँ पे जो कोई भी चीज़ें नहीं लगती है। BYD की आपको यहाँ पे जो बड़ी सी बैजिंग मिलती है, और अगर आप कंप्लीट सामने से लुक्स देखें ना, तो आपको काफ़ी कमाल के लुक्स मिलते हैं। मैंने अभी तक कोई भी गाड़ी के अंदर इस तरह के लुक्स नहीं देखे हैं। और यहाँ पे आप इसकी जो ग्रीन नंबर प्लेट भी देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो इंडिकेट करती है। बाकी यहाँ पे अगर आप साइड से देखें ना, तो ये है कुछ इसकी साइड लुक BYD की। यहाँ पे भी जो ये BYD डिज़ाइन की जो ये बैजिंग की है। अलॉयज अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो काफ़ी डिफरेंट लुक्स वाले आपको यहाँ पे जो अलॉयज मिलेंगे। सो ये भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सिल्वर एंड ब्लैक कलर के जो ये ड्यूअल कलर के अंदर आपको जो अलॉयज यहाँ पे मिलते हैं। आगे पीछे दोनों ही साइड में इसके अंदर जो आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, मतलब चारों व्हील्स के अंदर आपको इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं। पीछे से अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो अगेन यहाँ पे आपको जो काफ़ी एक अलग सी डिज़ाइन मिलती है, काफ़ी एक अलग सा यहाँ पे जो टच देने की कोशिश की है। उसके अलावा यह है कुछ इसकी रेयर लुक। पीछे से अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो बिल्ड योर ड्रीम्स यहाँ पे लिखा है, जो कि BYD का फुल फॉर्म है। तो किसको मतलब BYD क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीछे से भी काफ़ी अलग दिखती है ऑटो 3 की यहाँ पे जो बैजिंग की है, अगेन ग्रीन कलर की आपकी नंबर प्लेट, और यहाँ पे जो EV मेंशन किया हुआ है, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक कार है। पीछे आपको जो ये विंडशील्ड के अंदर जो ये एक रेयर वाइपर मिलता है, डिफॉगर्स आपको मिलते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है, और ऊपर के साइड में टॉप में आपको जो है एक शार्क फिन एंटीना मिलता है। अगर हम बूट की बात करें ना, तो इस की से ही आप इस बूट को जो है खोल सकते हैं। वैसे की काफ़ी कमाल की है, यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर जो डिज़ाइन मिलती है। इसके अंदर आपको 4 बटन्स मिलेंगे, तो एक अनलॉक करने के लिए, एक लॉक करने के लिए, एक गाड़ी की बूट खोलने के लिए, और ये जो बटन है ना काफ़ी स्पेशल है, आप ये वाला बटन दबा के जो ये गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो एक बार हम बूट खोल लेते हैं, यहाँ पे हमें ट्वाइस क्लिक करना है, और जो बूट है वो कुछ इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाएगी। स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्लेंटी ऑफ स्पेस मिलती है, काफ़ी मतलब आप सामान इसके अंदर रख सकते हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी बॉटल्स वगैरह रखी है, और बहुत मतलब अराउंड मैं बोलता हूँ कि 350-400 लीटर्स की यहाँ पे जो बूट स्पेस रहेगी, तो वो मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे आपको जो ये अलग अलग लेवल्स पे लॉक करने के लिए ये कुछ बटन भी दिया है, तो आप इस बूट को जो ये अलग अलग लेवल्स पे जो ये लॉक भी कर सकते हैं। सो अभी हम इसको पूरा बंद कर देते हैं, और डेफिनेटली काफ़ी मतलब कमाल की लुक्स है। एक बार हम इस गाड़ी के अंदर चले गए, और अंदर हमें क्या कुछ चीज़ें मिलती है, बिकॉज ये गाड़ी बाहर से जितनी क्रेजी दिखती है ना, उससे ज़्यादा इसके अंदर आपको अंदर फीचर्स मिलते हैं, तो वो भी एक बार हम चेकआउट करते हैं। और मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। वैसे तो कार जो स्टार्ट हो चुकी है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की अंदर के साइड में, इसका जो इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले है ना, वो अपने आप से घूम के जो है ये सीधा हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा। चलते इस कार के अंदर, यहाँ पे आप इसका एक बार इंटीरियर देखना, मतलब आपको एक नेक्स्ट लेवल वाला इसका जो इंटीरियर मिलता है। आपने पुराने मतलब अभी तक कोई भी कार के अंदर इस तरह का इंटीरियर नहीं देखा होगा, इतना डिफरेंट स्टाइल का आपको इसका जो ये डिज़ाइन एलिमेंट मिलने वाला है। इसलिए जो ये BYD ने मतलब BYD डिज़ाइन ऐसा भी मेंशन किया है कई जगहों पे। डोर पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डोर खोलने के लिए भी काफ़ी एक डिफरेंट तरीका मिलता है। आपको ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे एक आपको ट्विटर मिलता है, उसके ऊपर आपको ये जो चीज़ मिलती है ना, ये आपको घुमानी है और आपका जो डोर है वो खुल जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो पावर विंडोज़ के बटन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको साइड मिरर के बटन्स मिलेंगे, और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको कुछ एक गिटार स्टाइल का मिलता है। वैसे एक्चुअली में बजता भी है, तो यहाँ पे आप अपना मैगजीन या बॉटल वगैरह रख सकते हैं ठीक ठाक से। आपको यहाँ पे जो स्पेस मिल जाती है, यहाँ से आप अपनी जो बूट अगेन जो खोल सकते हैं, जो कि आप की से भी खोल सकते हैं। तो अगर आपको आगे मतलब ड्राइवर सीट पर बैठ के अगर ये पीछे की बूट खोलनी है, तो आप यहाँ से जो है वो खोल सकते हैं। यहाँ पे जो लेदर फिनिश दिया है ना, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का ये फिनिश दिया है। मुझे पर्सनली इसका जो मतलब डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे आप स्टेयरिंग का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, डी कट आपको स्टेयरिंग मिलता है, और यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर जो BYD का अगेन जो ये आपको बड़ा सा लोगो मिलेगा। क्रूज़ के यहाँ पे जो बटन्स दिए हैं, वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई ही नहीं कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो ये एडास लेवल 2 मिलता है, जो कि
और आपको काफ़ी कमाल के जो फीचर्स ऑफर करने वाला है। उसके अलावा इसके अंदर जो ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, एडेप्टिव हेडलैम्प्स मिलती है, तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप ये जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। उससे पहले आप यहाँ पे एक बार देखोगे, इसके जो सीट्स हैं ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है। सो कुछ आप इस तरह से जो इसके दोनों सीट जो आगे के एडजस्ट कर सकते हैं। और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, वैसे ऊपर का ये जो पैनल है ना, ये काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे एक बार आप बटन्स भी देख सकते हैं, आपको किस तरह के बटन्स मिलते हैं। पूरे ही आपको टच वाले यहाँ पे जो बटन्स मिलने वाले हैं, आपको जो है कोई भी प्रेशर यहाँ पे नहीं देना है। और ये चीज़ आप यहाँ पे जो है देखोगे कि इसका ये जो पैनोरमिक सनरूफ है ना, वो किस तरह से खुलता है। काफ़ी मतलब बड़ा है ये, और डेफिनेटली काफ़ी एक यूनिक आपको जो ये एक्सपीरियंस है प्रोवाइड करेगा। अगेन आप यहाँ पे अगर ये डैशबोर्ड डिज़ाइन देखें ना, तो ये काफ़ी एक अलग एलिमेंट आपको दिखेगा। जो कर्व्स है वो काफ़ी अलग से दिए हैं, और ये जो डिस्प्ले है ना, वो आप कुछ इस तरह से जो फ्लिप भी कर सकते हैं। ये वाला बहुत कमाल का फीचर है, मतलब मैंने तो अभी तक मतलब कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं देखा है। टेस्ला वगैरह में होगा, बट इंडिया के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम ये फीचर देखा है कि ये डिस्प्ले वगैरह मस्त से घूम में आता है। मतलब काफ़ी एक अलग चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये कुछ अलग ही स्टाइल के मतलब एसी के ब्लोअर्स दिए हैं। मतलब डिज़ाइन काफ़ी अलग ही है इसकी। इसके अलावा ये जो गियर नॉब है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह का आपको गियर नॉब मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि मतलब यहाँ पे जो आपको पूरा कांच का फिनिश मिलता है। और यहाँ पे कुछ मोड्स वगैरह आपको दिए हैं। इसके अंदर आपको जो ये नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड, ऐसे तीन मोड्स आते हैं, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी पकड़ लेती है। जो रेंज की अगर हम बात करें ना, तो 525 की आपको इसके अंदर जो ये राई रेंज मिलती है। मतलब कंपनी क्लेम करती है अराउंड आपको जो ये 470-480 के आसपास ये गाड़ी जो एक्चुअल रेंज दे देगी। सीट्स अगर आप देखें ना, तो आप सीट्स भी देख सकते हैं। अभी गुंजन भाई अपना बेटा है गाड़ी के अंदर, तो एक बार एक्सप्लेन करना कि सीट्स का कंफर्ट कैसा है। एक बार पीछे टेक के ठीक से बैठना, कैसा है? अल्ट्रा कंफर्ट। वैसे ये सीट्स आपको बकेट सीट्स जैसी मिलती है, तो ये आपको पकड़ लेगी। तो अगर आप हाई स्पीडिंग भी करते हैं ना इस गाड़ी के अंदर, तो काफ़ी कम्फर्टेबल ये सीट्स का पोस्चर होने वाला है। यहाँ पर आपको जो ये स्टोरेज बॉक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। सो डेफिनेटली यार, नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। मुझे पर्सनली ये जो गाड़ी का मतलब फील है ना, वो काफ़ी पसंद है। और जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी ऑफर की जा रही है ना, उसके हिसाब से आपको मतलब ठीक ही गाड़ी मिलती है गाइज। मतलब बहुत प्रीमियम लेवल के आपको इसके अंदर जो फीचर्स मिलने वाले हैं। एक बार हम चलते हैं इसके पिछले सीट्स के ऊपर, पीछे क्या कुछ चीज़ें दी जाती है ना, उसकी भी बात करते हैं। सो दीज आर दी रेयर सीट्स, और क्या स्पेस है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस दी गई है। ये जो वैसे आगे की सीट्स है ना, वो भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टाइल में पूरी सीट्स दी है। यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा मतलब पॉकेट मिलेगा, उसके अलावा मतलब बहुत कमाल की है गाइस। यहाँ पे पिछले सीट्स के ऊपर आपको जो आर्मरेस्ट के अंदर भी जो है दो ग्लास होल्डर्स मिलते हैं, और काफ़ी मतलब चौड़ा आर्मरेस्ट है, तो इसके अंदर आप जो मतलब दो लोग जो इसके ऊपर जो है आराम से जो अपना हाथ रख सकते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और ये जो पिछले जो हेडरेस्ट है ना, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीन लोगों के लिए जो ये प्रॉपर हेडरेस्ट दिए हैं, और बहुत कंफर्टेबल। इसका जो लेदर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखें ना, अगेन ये डोर पैनल यहाँ पे एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। डोर अगर आपको खोलना है, तो इस तरह से खोलोगे, ये बहुत मस्त चीज़ है। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स वगैरह की चीज़ें मिलती है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं गाड़ी को। यहाँ पे आपको जो है अगेन स्पीकर्स मिलेंगे, और ये गिटार वाला चीज़ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो ये बहुत कमाल की गाड़ी है। इसको एक बार हम चला के भी देखेंगे, इसका एडास फंक्शन, सारी चीज़ें एक बार चेकआउट करते हैं, उसके बाद में जो है मैं आपको इसकी एक्चुअल प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। सो अभी हम इस गाड़ी का जो एक शॉर्ट ड्राइव ले रहे हैं। यहाँ पे हमें राजेश सर पहले जो है थोड़े से फीचर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उसके बाद में हम जो ये खुद एक बार जो चला के देखेंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है। इसका जो साउंड क्वालिटी है ना, वो एक बार हम चेकआउट करते हैं। सो एक्चुअली जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसका हम जो ये बेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब वैसे भी साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी मतलब बेस्ट ही मैं बोलूँगा, बट उसके अलावा आप जो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। हम मस्त नासिक के रोड्स पे हैं, और एक बार इसको मतलब थोड़ा हाई स्पीडिंग भी करके देखेंगे कि हाई स्पीड पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस तरह की है। वैसे अभी सो दोनों सीट बेल्ट इसके कंपलसरी है, मुझे भी जो ये इसका बैक साइड बैक साइड के भी इसके जो सीट बेल्ट है वो कंपलसरी है इस कार के अंदर। सीट बेल्ट हमने टाइप कर लिए हैं, बाकी तो आप यहाँ पे स्पीड वगैरह देख सकते हैं। ये जो गाड़ी है अराउंड 180-200 की स्पीड तक जा सकती है, इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है।
201 BHP की इसके अंदर आपको जो पावर मिलती है और 310 न्यूटन मीटर्स का आपको इसके अंदर जो टॉर्क मिलेगा, तो पावर स्पेक्स काफ़ी तगड़े हैं वैसे इस गाड़ी के अंदर। और 150 किलोवाट की जो मोटर पावर आपको इसके अंदर जो मिलती है। सस्पेंशन भी काफ़ी मतलब मस्त है इसका, कंफर्टेबल आपको फील होगा अगर आप खड्डों में से भी जाते हैं तो। और ये वैसे ऊपर की हमारी चीज़ रह गई, ऑटो डिमिंग यहाँ पे जो है आपको रेयर व्यू मिरर मिलता है। एंड ऑल्सो एक चीज़ की इस कार के अंदर आपको जो है ये 100+ वॉइस कमांड्स मिलते हैं, तो उसको भी एक बार हम ट्राई आउट करेंगे। हाय BYD, क्लोज द ब्लाइंड्स। ओके, क्लोज द ब्लाइंड। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो ब्लाइंड है ये पूरे मतलब बंद हो रहे हैं। सो इसी तरह के आपको जो इसके अंदर वॉइस कमांड्स मिलती है, इसे हम विंडोज़ वगैरह भी डाउन कर सकते हैं ना। यस, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। हाय BYD, ओपन विंडोज़। सो इस तरह से जो ये विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएगी। हाय BYD, ओपन ड्राइवर साइड विंडो। सो यहाँ की भी ओपन हो गई, काफ़ी कमाल की मतलब ये चीज़ मुझे लगी और मतलब एक्यूरेट है काफ़ी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ और हो रहा ही नहीं है। सो एक बार फिर से ट्राई आउट करेंगे। हाय BYD, क्लोज द विंडोज, क्लोज विंडोज, क्लोज ऑल विंडोज। सो पर्टिकुलरली कौन सी विंडो खोलनी है वो भी आप इसको जो बता सकते हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। उसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ना, फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक बार इसको फ्लिप करके। सो चलते गाड़ी में भी आप कुछ इस तरह से इसको जो फ्लिप कर सकते हैं। और इसके अंदर वैसे 360 डिग्री कैमरा भी आता है ना, तो ऑल टाइम आप इसको जो ये चालू भी रख सकते हैं, आप जो ये असिस्ट कर सकते हैं आप, मतलब आपके साइड में कौन सी गाड़ी है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो देख पाओगे। और ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी गाइस कि आप असिस्ट कर सकते हैं, अगर मतलब आप न्यू ड्राइवर है तो आपके लिए ये काफ़ी कम्फर्टेबल चीज़ है कि आगे कौन सी गाड़ी है, साइड में कौन सी गाड़ी है, आपको मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है इसमें। यस, तो ब्लाइंड स्पॉट भी आप इसके अंदर जो मतलब मॉनिटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जो यहीं पे दिख जाएगी। लेफ्ट साइड में जो इंडिकेशन दिख रहा है ना जब भी गाड़ी चला रहा है। यस, सो ये ब्लाइंड स्पॉट आपको मॉनिटरिंग भी इस कार के अंदर मिलता है। येलो कलर, यस येलो कलर की यहाँ पे आपको एक लाइट दिख रही होगी, राइट। सो ये भी एक मतलब आपको फंक्शन मिलता है। और अगर आप ये चीज़ देखें ना, तो आपको 50-60 लाख की भी कोई गाड़ी के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है, जो आपको BYD जो ये 34 लाख रुपीज़ एक शोरूम पे जो प्रोवाइड कर रही है। ऑन रोड की अगर हम बात करें तो 36 लाख के अराउंड निकल जाती है, बट वर्थ इट हम बोलेंगे कि मतलब आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है गाड़ी, रेंज काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल अगर हम पैकेज देखें ना, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी हम इसको जो बोल सकते हैं ये चीज़ को। इंजन ने और एक चीज़ नोटिस की, ये जो पिछली लाइट्स ने जस्ट टच से ही जो ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, आगे की भी वैसी रहेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट आपको जो टैप करना है। सो अभी आप ये जो देख रहे हैं कोई 360 डिग्री कैमरा का जो फुटेज नहीं है, ये है इस गाड़ी का इनबिल्ट डैश कैम, जो कि आपको मतलब आप जैसे कि गाड़ी लेते हैं उसी के साथ साथ ही मिल जाता है। और यहाँ पे और जो इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह भी दी है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। SD कार्ड प्लीज इंसर्ट। ओके, सो इसके अंदर आप SD कार्ड भी जो है सेपरेट से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आता है। सो आपको सिर्फ इंसर्ट करना है। डेफिनेटली यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने मतलब काफ़ी प्रीमियम कार्स भी देखी है, 1CR की मैंने कार्स देखी, बट स्टिल मुझे इसके अंदर जो है काफ़ी अलग फीचर्स लग रहे हैं, जो कि आपको वो वाली कार्स के अंदर भी नहीं मिलते हैं। सो इसका जो AC है ना, इसके अंदर एक आपको PM2 का जो ये एयर फिल्टर भी मिलता है। सो एयर प्योरीफिकेशन इस कार के अंदर आपको इनबिल्ट ही मिलता है। ओके, सो क्विक प्योरीफिकेशन ऐसे आपको इसके अंदर जो ये ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको, अगर जल्दी से जो आपकी गाड़ी प्योरीफाई करनी होगी, अगर आप मतलब बाहर से आ गए, आपकी गाड़ी के अंदर बैठ गए और आपको जल्दी से जो है गाड़ी प्योरीफाई करनी है, इसका जो एयर है आपको प्योरीफाई करना है, तो आप जो है क्विक प्योरीफिकेशन का जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये मतलब कितना प्योर आपको एयर मिलता है वो भी यहाँ पे जो मेंशन किया है, बाहर का एयर कितना प्योर है और अंदर का एयर जो है कितना प्योर है। सो नाउ वी आर ट्राइंग एडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और जैसे कि इसके अंदर ADAS फंक्शन आता है। सो जब भी मतलब कोई सामने गाड़ी आएगी, गाड़ी जो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी और अपने आप से जो स्पीड मेंटेन करेगी। सो वो चीज़ हम यहाँ पे इस गाड़ी की जो चेकआउट करते हैं कि किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे 60 पे ऐड मैंने स्पीड सेट किया हुआ है, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल, लाइक मैंने एक्सेलरेशन भी नहीं दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ पैडल्स आप देख सकते हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन अभी ये कार क्रूज कर रही है, उसे अभी स्लो डाउन हो जाएगी।
सो सामने अभी ये ट्रक आ गई, सो अभी गाड़ी ने अपनी स्पीड अपने आप से जो है कम कर ली। सो अभी फिर से नॉर्मल पे मतलब 60 पे निकल गया अभी स्पीड, बिकॉज रास्ता अभी खाली है। सो वैसे मॉनिटरिंग का सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, आप जो आपका डैश कैम है उसको जो ये ऑन दी वे मॉनिटर भी कर सकते हैं कि क्या आपको फुटेज मिल रही है, और बिकॉज ये आपको इनबिल्ट मिलता है इस वजह से आप चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो जब आप बाहर से बिठाते हैं ये चीज़ आप नहीं कर पाते। इवन इट्स शोइंग द लेन आल्सो, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द लेन वाइट मार्किंग इज शोइंग, ओके इट विल गेटिंग इनसाइड ओनली ऑटोमेटिकली। ओके सो गाइज राइट नाउ आई एम ड्राइविंग दी कार, और अभी मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी 2-3 मिनट हो गए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और मुझे अभी थोड़ा सा जो ये हाथ में मतलब बैठ गई है। सो जो स्टेयरिंग फीडबैक है वो आपको काफ़ी कमाल का मिलता है, आपको ड्राइव करने में जो मज़ा आने वाला है, और जो पिकअप आपको मिलता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। आपको सारी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है। सस्पेंशन भी अगर आप देखें ना, सो काफ़ी स्टेबल आपको यहाँ जो है ये सस्पेंशन की जो क्वालिटी मिलती है। और अभी जैसे कि मैं नासिक के अंदर एक कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लोग मतलब देखते हैं कि मतलब कौन सी गाड़ी है, क्योंकि काफ़ी यूनिक दिखती है कार। अब जैसे कि आप यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब सामने लोग भी खड़े, वो भी देख सकते हैं। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो इस गाड़ी को चेकआउट करते हैं कि कौन सी कार आ रही है भाई। अभी भी जब अपन मतलब अभी ये सामने मेरी गाड़ी है, सो मैं अगर थोड़ा सा आगे पुश करूँगा तो ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है क्या? पहले आपको बीप आएगा काफ़ी नज़दीक जाने के बाद, ओके और ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ये आगे आ जाएंगे बिकॉज सीट बेल्ट नहीं लगाई है। राइट बेल्ट एनर्जी जनरेशन मोड है, ओके ये आप बता सकते हो। सो दो लेवल के है ना, स्टैंडर्ड एंड हाई। ओके देखो अभी स्टैंडर्ड एंड हाई है, ओके सो अभी हम लोग स्टैंडर्ड में चला रहे हैं। अभी आपने ब्रेक छोड़ा है ना, एक्सेलरेशन छोड़ा है ना, यस एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ग्रीन इज एनर्जी जनरेट हो रही है, और अभी हम रीजनरेट हो रही है, सॉरी रीजनरेट, ओके और ये आपने गाड़ी एक्सेलरेशन करी तो जा रही है, बैटरी कंज्यूम right. हो रही है। हाँ वो मतलब वहाँ पे हाँ. ग्राफिकली दिख रहा भी है कि एनर्जी आ रही है या जा रही है। जा रही है, इसी तो आप बता सकते हो इसमें, ये हाईवे और ट्रैफिक कंडीशन में आप रीजनरेट कर सकते हो आपकी बैटरी। हाई मोड में करोगे तो आप देखो okay. ना ब्रेकिंग जरा ब्रेकिंग थोड़ा यस थोड़ा टाइट हो गया, राइट तो दैट इज फॉर ट्रैफिक, तो वो राइट एम्बिएंट लाइट्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। दिस इज ये ब्लू कलर है, देखिए यहाँ से ऊपर से यू कैन सी दिस द एम्बिएंट लाइट्स आर देयर, ये एम्बिएंट लाइट्स जैसे आपको ये नाइट रात में ये मतलब इसका जो पूरा गाड़ी का मोल है वो पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। अगर फ्रंट चाहिए होल व्हीकल चाहिए दैट यू कैन सी, फॉलो मी लाइट्स आर आल्सो देयर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, बिग थैंक्स टू BYD लैंडमार्क मुंबई जिन्होंने हमें ये गाड़ी जो रिव्यू करने के लिए दी। अगर आपको इस गाड़ी को लेके कुछ भी क्वेश्चंस होगे तो आप नीचे जो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी मस्त गाड़ी है, अगर आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है 35-40 लाख के अंदर, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।